नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस दलित वोटर्स पर होगा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में पार्टी ने इन वोटरों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। 30 सितंबर को दलित नेताओं की लखनऊ में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें समाज से आने वाले पार्टी के तमाम विधायक पहुंचे, जहां उपचुनाव में वोटरों के बंटने के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। क्या है बीजेपी की दलित वोटर्स को साधने की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही के कुछ उपचुनावों में दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलने के बाद लखनऊ में बीजेपी के दलित नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में पार्टी के सभी जिम्मेदार दलित नेताओं को बुलाया गया है, जहां यूपी में एससी समाज के 17 सांसद चुने गए हैं। पार्टी के दलित विधायकों की संख्या 65 है। इन सबको इस बैठक में बुलाया गया। बैठक का एजेंडा अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव है, जिसमें पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने मिशन 75+ का लक्ष्य रखा है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी का लक्ष्य 75 सीटें जीतने का है। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि दलित वोटरों का झुकाव हाल के कुछ उपचुनावों में समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ गया है। ये पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। यूपी के लिहाजे से राजनीतिक तौर पर ये सोच रही है कि समाजवादी पार्टी को दलित समाज अपना नहीं मानता है। लगातार 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में यही ट्रेंड रहा। जाटव बिरादरी को छोड़ दे तो एससी समाज की दूसरी जातियों जैसे वाल्मीकि, खटिक, पासी और सोनकर वोटरों ने बीजेपी को वोट किया। फिर ऐसा क्या हो गया कि घोसी के उपचुनाव में इसी समाज के लोगों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। जाटव तो मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी के लिए वोट करते हैं, लेकिन घोसी के चुनाव में समाज के कुछ वोटरों ने समाजवादी पार्टी का साथ दे दिया। इस बदलाव से बीजेपी का केंद्र नेतृत्व बहुत चिंता में है, इसीलिए तय हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले सब ठीक कर लिया जाएगा। लखनऊ में बीजेपी के दलित नेताओं की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसी महीने लखनऊ में संघ की बैठक में दलितों को अपना बनाने पर जोर दिया था। इसके लिए बीजेपी दलित समाज की अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग रणनीति बनाने में जुटी है। अगले लोकसभा चुनाव में यूपी में अधिकतर सीटों पर तिकोना मुकाबला होने की संभावना है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है। कुछ सीटों पर बीएसपी भी मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। ऐसे में दलित वोट अहम भूमिका निभाएंगे। बीजेपी ने अपना दल सुहेलदेव समाज पार्टी और निषाद पार्टी के साथ चुनावी तालमेल कर पिछड़ी बिरादरी का समीकरण ठीक कर लिया है। वहीं अब इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत दलित वोटर को अपना बनाए रखने के लिए लगा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।